आपका सपना हमारा सपना, हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट फ्लैट लेके आते हैं सबसे सस्ते प्राइस में। इसलिए मित्रों, मैं सुशील मिश्रा आपके अपने चैनल सृष्टि होम में आपको ईएमआई से मुक्त करने के लिए ये फ्लैट लेके आ रहा हूं। 55 गज का बड़ी रहेगा, फ्रंट साइड का कार पार्किंग के साथ और द्वारका मोड़ या नवादा मेट्रो के सेम डिस्टेंस पर 1 किलोमीटर प्लस का एरिया मिल रहा है, फ्रंट साइड का मिल रहा है और बहुत ही सस्ती कीमत में मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है 90% हाउसिंग लोन के साथ आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। अब आपको ये फ्लैट दिखाता हूं कि हमने कैसे बनाया हुआ है। आइए, अब आपको फ्लैट के फ्रंट पे खड़ा हूँ। स्टेयर्स आप देख सकते हैं, प्रॉपर रेलिंग लग चुकी है और यहाँ एमसीबी लग चुका है। और इस पार्ट में आपका मेन डोर है, यहाँ आप एंट्री करेंगे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब आइए आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूँ। और मेन डोर आप देख सकते हैं, ये आपकी फ्रंट और बैक सेम सनमाइका आपको यहाँ मिल रही है। इस पार्ट में आपका इंटरकॉम लगेगा, इंटरकॉम की केबल आप देख सकते हैं और बड़ा प्यारा सा लाइट कलर में आपको देखिए यहाँ वॉलपेपर मिल रहा है एल शेप का। ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करते ही वॉलपेपर देख के कहेगा वाह, बड़ा प्यारा सा कलर मिल रहा है। और यहाँ आप अपनी सीटिंग ले रहे हैं, 5 सीटर सोफा आराम से स्मूथली आपको मिल रहा है यहाँ पर। इस पार्ट में आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल रही है, साथ में फैंसी लाइट का प्रोविजन दे रखा है। और यहाँ आपको मिल रहा है एलईडी पैनल, इस पार्ट में आपको एलईडी पैनल मिल रहा है, प्रॉपर स्टोरेज मिल रही है। और कार पार्किंग के साथ 55 से 65 गज का कोई भी फ्लैट देखेंगे तो हर फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ खूबी जरूर मिलती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कॉमन टॉयलेट में मैं आ गया, तो कॉमन टॉयलेट आप देख रहे हैं, कॉमन टॉयलेट ड्राइंग रूम के साथ ही इनबिल्ट है। और एरिया देख सकते हैं, ये आपका बाथ जोन हो गया। और इस पार्ट में आप देख सकते हैं गीजर की फिटिंग लग रही है, यहाँ आपकी वॉल बेसिंग लग रही है और यहाँ आपकी पॉट की फिटिंग लग रही है। यहाँ वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट के लिए हमने स्पेस दे रखा है। ड्राइंग रूम के साथ ये आपकी कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट के साथ ही आप देख सकते हैं जो ड्राइंग रूम है उसमें जो हमने फॉल सीलिंग दे रखी है, बड़ी प्यारी सी फॉल सीलिंग मिल रही है। साथ में आप लॉबी का एरिया देख सकते हैं, प्रॉपर आपको खुला डुला ये लॉबी एरिया मिल रहा है। अब आपको बेडरूम दिखाता हूँ अटैच टॉयलेट के साथ। आइए, ये बेडरूम आप देख सकते हैं, साइज आपके हिसाब से देख सकते हैं, 9.5x9 का बेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है। और प्यारा सा वॉलपेपर आपको इस पार्ट में मिल रहा है। और इस पार्ट को बेड के रखने के साथ ही आप यहाँ कुछ भी स्पेस पे रख सकते हैं। और इसके साथ ही फॉल सीलिंग पर एक बार नजर डालते हैं तो आपको स्पेस मिल रहा है काफ़ी अच्छा, खुला डुला फॉल सीलिंग, थोड़ी सी डिजाइन वर्ड काफ़ी अच्छी है लेकिन स्पेस देखेंगे तो खुला डुला। और यहाँ पे आपको मिल रहा है स्प्लिट एसी की फिटिंग, इसकी एमसीबी आपको इस पार्ट में मिल रही है। अब आपको मैं अटैच टॉयलेट दिखाता हूँ जो इस बेडरूम के साथ मिल रही है। ये आपकी जो टॉयलेट है आप देख सकते हैं, टाइल्स बहुत ही प्यारी टाइल्स लग रही है, पूरी ऊपर तक टाइल्स मिल रही है। इस पार्ट में आपका टॉयलेट की फिटिंग आ रही है, यहाँ पे आपकी वॉश बेसिन की फिटिंग आ रही है, तो आप इसको एज ए टॉयलेट यूज कर सकते हैं। ये किचन का पार्ट है, यहाँ आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, काफी एरिया खुला डुला आपको मिल रहा है। और यहाँ इस पार्ट में आप देख सकते हैं आपका सिंक आ रहा है और यहाँ आपका गैस चूल्हा आ रहा है, यहाँ आप चिमनी लगा सकते हैं, यहाँ हम गैस चूल्हा के लिए, यहाँ आपको पॉप पॉइंट मिल रहा है माइक्रोवेव ओवन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टोरेज के लिए देख सकते हैं एरिया आपको काफ़ी खुला डुला एरिया आपको मिल रहा है। यहाँ आरओ और गीजर की फिटिंग के लिए स्पेस प्रॉपर आपको मिल रहा है। अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें आप अपनी किचन को सजा सकते हैं, देख सकते हैं ट्रॉलियाँ, नंबर ऑफ ट्रॉलीज आपको यहाँ मिल रही है, स्पेस खुला डुला मिल रहा है आपको यहाँ पर। इस पार्ट में भी ट्रॉलीज है और टाइल्स आप देख सकते हैं 5 फीट की हाइट में आपको ये प्रॉपर टाइल लगी हुई मिल रही है। ये आपकी बालकनी का रूम है और इसको कह सकते हैं फ्रंट वाला बेडरूम, तो फ्रंट वाला विद बालकनी का रूम आपको मिल रहा है, एक बड़ा प्यारा सा वॉलपेपर आपको मिल रहा है। पॉप पॉइंट आप देख सकते हैं, हर रूम में कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा करके चलते हैं कि आपकी बेड है या यहाँ छोटा सा सेंट्रल टेबल रख सकते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ आप अपना बेड इस डायरेक्शन में डाल सकते हैं या इस डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, दोनों ऑप्शन आपको ये मिल रहे हैं। फॉल सीलिंग का पॉइंट देख सकते हैं, फॉल सीलिंग में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है हमने, कंसील लाइट स्ट्रिप लाइट का
और यहाँ पे हम आपको विंडो एसी का प्रोविजन दे रहे हैं, क्योंकि बालकनी का फ्रंट साइज का है तो स्पेस पूरा मिल रहा है। रूम का साइज 10x10 के आसपास है। यहाँ आप अपना एलईडी टीवी लगा सकते हैं। अब आपको मैं बालकनी दिखाता हूँ। ये आपका बालकनी का एरिया है। यहाँ वॉल ब्रशिंग के लिए आपको टैप दे रहा हूँ, यहाँ पावर पॉइंट दे रहा हूँ। ऊपर तक देख सकते हैं प्रॉपर टाइल लगी हुई मिल रही है। यहाँ देखिए स्प्लिट एसी के आउटर्स लगे हैं, रेलिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर लगी हुई है, और फ्रंट रोड काफ़ी चौड़ी मिल रही है। खुला डुला बालकनी का एरिया मिल रहा है आपको। तो मित्रों 2 BHK का कार पार्किंग के साथ फ्रंट साइड का अगर आपको फ्लैट मिले और द्वारका मोड़ मेट्रो या नवादा मेट्रो से 1 किलोमीटर डिस्टेंस के आसपास, तो स्वाभाविक है प्राइस थोड़ी अच्छी तो मिलेगी। कवर्ड एरिया की अगर बात करता हूँ तो 55 से 60 गज का एरिया आपको यहाँ मिल रहा है। तो मित्रों 2 BHK 90% हाउसिंग लोन के साथ 1 किलोमीटर प्लस का एरिया में, और सबसे बड़ी चीज़ है कीमत। तो कीमत मात्र 25.5 लाख रुपए का ये आपको फ्लैट मिल रहा है। इसलिए मित्रों बिना डिले करे हरियप और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।